खंडवा जिले के पुनासा तहसील में भारतीय किसान संघ ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। लगातार धरना प्रदर्शन करने के कारण विधायक नारायण पटेल ने धरना स्थल पर जाकर किसानों की मांगों को सरकार तक पहुंचाने की बात कही। विधायक नारायण पटेल के साथ अनुविभागीय अधिकारी पुनासा भी शामिल रहे। किसानों ने अनुविभागीय अधिकारी से बताया कि प्राकृतिक प्रकोप से नष्ट हुई फसलों के निरीक्षण में चूक हुई है, इसकी सही तरीके से निरीक्षण नहीं होने की बात कही है। अनुविभागीय अधिकारी ने किसानों को कहा कि हमने प्राकृतिक प्रकोप से नष्ट हुई फसलों का सही निरीक्षण किया है, इसलिए कपास का मुआवजा नहीं आया है। भारतीय किसान संघ के सदस्यों ने कहा कि यह धरना प्रदर्शन अभी केवल स्थगित किया जा रहा है, अगर हमारी मांगों की पूर्ति नहीं हुई, हमारी मांग सरकार ने नहीं मानी, तो हम वापस धरना प्रदर्शन करेंगे। पुनासा से पदम सिंह चौहान की रिपोर्ट। आज के चौथे दिन के धरना स्थल पर मानधाता विधायक महोदय और हमारे ऊर्जा मंत्री जी के वो नरेंद्र सिंह जी तोमर भी पधारे। हमारे धरना स्थल को हमने समाप्त नहीं किया, स्थगित किया है, क्योंकि जो हमारी 22 बिंदुओं की मांगे थी उन पर विधायक महोदय ने आश्वस्त किया है कि कलेक्टर से आपके पास 4 दिन के अंदर हर विभागीय अधिकारी को बिठाकर ये 22 बिंदुओं की समस्या का हल किया जाएगा। रहा राहत राशि 34% का सवाल, उसके लिए मुख्यमंत्री के पास किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल को ले जाकर उनसे चर्चा कर यहाँ के किसानों को आश्वस्त किया जाएगा, नहीं तो ये धरना और फिर 8 दिन के बाद शीघ्र चालू होगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।